नमस्कार। टीवी के मोस्ट पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 के ऐलान के बाद से ही ये काफी चर्चा में है। बीती रात बिग बॉस ओटीटी शो के विजेता की घोषणा की गई। बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी दिव्या अग्रवाल ने अपने नाम की। ऐसे में बिग बॉस 15 के मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर किया है और शो की रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी। इस बात को हर कोई जानता है कि बीते सीजन की तरह बिग बॉस 15 को भी सलमान खान ही होस्ट करेंगे। हर सीजन को होस्ट करने के लिए सलमान द्वारा मोटी रकम वसूलने की अफवाहें सामने आती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। सलमान खान रियलिटी शो के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले होस्ट रह चुके हैं। पिछले साल बिग बॉस 14 की शुरुआत से पहले एक रिपोर्ट से पता चला था कि एक्टर को सीजन 4 से सीजन 6 तक पर एपिसोड 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सीजन 7 के लिए उनकी फीस दोगुनी कर 5 करोड़ कर दी गई। बिग बॉस 13 के लिए उन्होंने कथित तौर पर वीक 13 करोड़ रुपए चार्ज किए। इस सीजन में सलमान की सैलरी का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 14 हफ्ते के लिए 350 करोड़ रुपए यानी कि 25 करोड़ रुपए पर वीक है। ये न्यूज लेट्स ओटीटी ग्लोबल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। बता दें, जहां बड़े से बड़ा स्टार पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमा पाता, उसे सलमान सिर्फ बिग बॉस 15 से वसूल रहे हैं, जो कि काफी हैरान कर देने वाला है। बता दें, बिग बॉस के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला है जिसमें सलमान नए सीजन यानी कि बिग बॉस सीजन 15 के बारे में बात कर रहे हैं। बाद में पता चला कि ये शो 2 अक्टूबर से शुरू होगा। वीडियो को कैप्शन दिया गया है, हर सीजन में होता है एक नया ट्विस्ट। बिग बॉस का ये सीजन भी लाएगा सदस्यों के लिए नई नई समस्याएं। सफर होगा उनका मगर एंटरटेनमेंट हमारा। तो क्या रेडी हैं आप बीबी 15 के प्रीमियर नाइट के लिए? 2 अक्टूबर को रात 9:30 बजे ट्यून करें सिर्फ कलर्स पर। बिग बॉस का ये 15वां सीजन 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। जल्द ही शो में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम भी रिवील कर दिए जाएंगे। वैसे शो में मिल रही सलमान की फीस को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।